इंदौरा में आस्था का प्रतीक बाबा कयालु मंदिर ठाकुर द्वारा में दो दिवसीय वार्षिक मेला व भंडारे का आयोजन। पंचायत के प्रधान गणेश कुमार ने बताया कि 17 मई को दिन के समय पंजाब व हिमाचल से आई हुई धार्मिक भजन गायन पार्टियां बाबा जी की पवित्र महिमा का गुणगान करेगी और रात को अजय कौशल एवं पार्टी गंथक वाले महामाई का जागरण करेंगे। भंडारे के संचालक राणा प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण दो वर्ष भंडारे का आयोजन नहीं हो सका था और इस वर्ष भंडारे को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष भंडारे में कुल 80 क्वांटल चावल पकाए गए थे, 100 क्वांटल तक चावल पकाए गए और 225 से ऊपर विभिन्न विभिन्न प्रकार की दालों की बटलोइयां बनाई जाने की कमेटी का लक्ष्य है। राणा प्रताप सत्रह सिंह ने बताया कि बाबा जी की कृपा से इस भंडारे में लगभग 20 से 25 किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ने वाले तमाम गाँव के हजारों लोग बाबा जी के मंदिर में शीश निवाने आते हैं और भंडारे का आनंद लेते हैं। पूरे इंदौरा व आसपास लगे पंजाब क्षेत्र का ऐतिहासिक भंडारा माना जाता है। प्रधान राणा प्रताप ने मंदिर की आस्था के बारे में बताया कि जो भी चर्म रोगी इस मंदिर में श्रद्धा भाव से बाबा जी मंदिर में शीश निभाता है, मत्था टेकता है, उसका चर्म रोग कुछ ही दिनों में दूर हो जाता है और ठीक हो जाने पर बाबा जी के मंदिर में एक नमक की थैली और एक झाड़ू चढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ मंदिर के पास एक ऐतिहासिक पुराना कुआं है जिसमें भी चरम रोगी ठीक होने के नाम पर नमक डाला जाता है। यहाँ दूर दूर से भक्तजन बाबा जी के भंडारे में हाजिरी लगाने आते हैं। स्वर्ण रानी के साथ ब्यूरो चीफ इंदौरा। ग्रुप पार्टियां अपना अपना माई माई का गुणगान करेंगे, उसके सुबह जो है लंगर हम 7 बजे शुरू कर देंगे और संपूर्ण गांववासी इसमें हिस्सा लेंगे। रात को अजय कौशल जी माता माणी का गुणगान करेंगे। धन्यवाद। भंडारे को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? 2 साल पहले कोरोना का टाइम था, उस वक्त लंगर नहीं हो सका, जग नहीं हो सका, भंडारा नहीं हो सका, लेकिन आज बड़े 2 साल बाद मौका मिला तो लोगों ने बड़ा उत्साह, लोगों में इतना उत्साह है कि लोग आज हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से लोग रोज शोभा यात्रा निकालते हैं। जो तेरी लेडी सुबह 4 बजे 4 बजे शोभा यात्रा निकलती है, रोज कम से कम 100 लेडीज जाती है। और जो कल का जो भंडारा है, कल का अलग अलग पार्टियाँ एक एक दो दो घंटे का सबको टाइम मिला है, तो उसमें लोग लगभग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जो बाबा जी का भंडारा, जो रंगारंग प्रोग्राम, जो सारे भंडारे की शोभा बढ़ाएंगे। सुबह ये भंडारा कितने बजे शुरू कर दिया जाएगा? लगभग 7 बजे। कितने बजे तक चलेगा शाम को? टूट लंगर है, जब तक दूसरा दिन नहीं चढ़ता, बुधवार को रात को भी चलता रहता है।